नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को आज एक साल हो गए। अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये सितारे गोल्डन टेम्पल पहुंचे। ये तस्वीरें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की हैं, जहां ये दोनों सितारे मत्था टेकने पहुंचे हैं। आज ही के दिन पिछले साल दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ सिंधी रीति रिवाज से शादी की। ये शादी इटली के लेक कोमो में हुई थी। आज सुबह 5 बजे दीपिका और रणवीर अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे तो नजारा भव्य था। चारों तरफ गुरबानी की अमृत वर्षा हो रही थी। दोनों ने पहले यहाँ मत्था टेका और गुरु से जीवन में सुख और वैभव प्रदान करने के लिए धन्यवाद कहा। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोचना। आज दोनों जब अमृतसर पहुंचे तो दीपिका मरून सूट में बिल्कुल पंजाबी नूर लग रही थी। रणबीर भी उनसे मिलते जुलते रंग के कपड़े में दिखे। यहाँ रणवीर के परिवार के साथ दीपिका के मम्मी पापा भी गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। सितारों ने परिवार के साथ मंदिर की परिक्रमा की और ढेरों आशीर्वाद मांगे। कल यानी 14 नवंबर को दीपिका और रणवीर की कोंकणी शादी वाली एनिवर्सरी थी। इस मौके पर कल दोनों तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर गए थे। रेड कलर की साड़ी और गोल्ड की ज्वेलरी के साथ दीपिका ने मांग में लाल सिंदूर भरा है। दीपिका किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। दीपिका के पति रणवीर सिंह भी एथनिक वेयर में गजब ढा रहे थे। दोनों ने यहाँ अपने मंगलमय जीवन के लिए तिरुपति बालाजी से आशीर्वाद। आज बहू और बेटे के साथ पूरा भवनानी परिवार भी नजर आया। इंडिया टीवी की तरफ से इस खूबसूरत कपल को उनकी शादी की पहली सालगिरह की बहुत बधाई। बॉलीवुड से जुड़ी अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहिए इंडिया टीवी न्यूज़.com।